हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो वो रहने वाली है सीवाईटी लाइट के ऊपर। तो इसमें जो है ड्यूल कलर है, मतलब एक येलो चलेगा और एक जो व्हाइट चलेगा। तो मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा कि क्या आपको ये बाय करना चाहिए, मतलब ये अच्छा रहेगा आपके लिए या नहीं। और एक में येलो चलता, हाई बी में आई थिंक इसका येलो चलता है और लो बी में शायद से दूसरा चलता होगा या फिर ऑपोजिट होगा। तो इस टाइप से इसका जो है वो रहने वाला है। तो इसको भी मैं खोल के आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। सो गाइस, आप देखोगे कुछ इस टाइप से सिंपल सी एक एलईडी आपको मिलेगी इसमें और पीछे इसके जो है फैन लगा हुआ है। सो आपको शायद से दिखेगा नहीं इतना अच्छे से, लेकिन इसमें फैन लगा हुआ है और ये यहाँ पर जो है एक छोटा सा इसका जो है कुछ वोल्टेज का कंट्रोलर होगा आई थिंक, और यहाँ पर जो है इसका H4 का सॉकेट है। तो प्लग एंड प्ले है भाई गाइस, ये मतलब प्रॉपर है, यहाँ पर जो अपनी बाइक में फिट हो जाएगा। और कनेक्शन आपको पहले बैटरी पे करने पड़ेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, क्योंकि इसमें मैंने जो है ऑक्स बीम की जो है डाल रखी है। तो उसका रिस्पॉन्स आपने चेकआउट किया होगा पीछे की वीडियो में। तो अभी मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। सो गाइस, जैसे मैं चाबी को ऑन करता हूँ तो आप देखते हैं अपना डिजिटल मीटर, और यहाँ पर जो इसका मैंने बटन लगा रखा है हेडलाइट का। जैसे इसको प्रेस करूँगा, इसको ऑन करूँगा, तो अपना जो है आगे हेडलाइट चलेगा। सो गाइस, आप देख सकते हो, और इसका आपने रिस्पॉन्स भी चेकआउट किया होगा ऑक्स बीम का। और अभी इसकी जगह मेरे को ये लगाना है, और मेरे को सिंपल इसको लगा देना है। कनेक्शन मैंने पहले से कर रखे हैं तो उसका मेरे को दिक्कत नहीं है इसके करने की। तो अभी मैं जो है इसकी वाइजर को मैंने खोल रखा है और सिंपल इसकी हेडलाइट को खोलूँगा, इसको डालूंगा और फिर वापस से बंद कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और इसको भी चाबी को ऑफ कर देता हूँ। और अब इसकी मेन जो हेडलाइट है वो खुलेगी, और इसके लिए कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है, बस यही है 12 नंबर का एक यहाँ पर बोल्ट है, एक दूसरी साइड होगा। तो इन दोनों जो है नट को खोल के देन उसके बाद ये हेडलाइट निकलेगी, उसके बीच में इसको लगाना है मेरे को, पुरानी वाली निकाल के इसको लगा देना है। तो अभी मैं इसको खोल लेता हूँ पहले, देन उसके बाद मैं आपको इसका जो है कलर बताऊँगा कि कैसे है इसका कलर। सो क्या यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो है दो इन्होंने जो है भी यूज़ किया है, मतलब चिप ऑन बोर्ड, एक जो है येलो कलर का है और एक थोड़ा वाइट चलेगा। तो एक में इसका जो है येलो आएगा और दूसरे में आई थिंक इसका वाइट आएगा। तो गाइस, आप देखते हैं यहाँ पर मेरा ऑक्स बीम का जो है एलईडी बल्ब डला हुआ है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पर ये लॉक को ऐसे प्रेस करके इस एलईडी को मैं निकाल दूंगा, और इसकी जगह पे मैं जो है ये सीवाईटी वाला जो है इसको डाल देता हूँ। तो गाइस, पहले मैं आपको इसको चेक करवा देता हूँ। तो चेक करने के लिए इसको बाहर ही रहने देते हैं, और यहाँ से गाइस इसका जो कपलर है, यहाँ से मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ऑक्स बीम वाले को। तो आप देख सकते हैं ये ऑक्स बीम वाले को मैंने निकाल दिया, और अभी ये जो सीवाईटी वाला है इसको मैं लगा देता हूँ, तो ये यहाँ पर लग जाएगा। तो गाइस, कुछ इस टाइप से इसकी इंस्टॉलेशन थी। बाकी आपको जो कनेक्शन इसका करना है वो आपको पीछे वाली वीडियो में मिल जाएगा। तो इसका मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो अब मैं आपको लाइट को चला के दिखाता हूँ। तो चलिए गाइस, अभी इसको चला के देखते हैं। तो मैं चाबी को ऑन करता हूँ, देन उसके बाद मैं बटन को ऑन करता हूँ। तो आप देखते हैं गाइस, हाई बीम पे जो है वाइट चलेगा, और यहाँ पर अगर मैं लो बीम करता हूँ तो लो बीम पे जो है येलो चलेगा। मेरे हिसाब से गाइस ये ऑपोजिट होना चाहिए था, क्योंकि अगर हाई बीम में चलेगा तो लोगों की आंखों में जो रोशनी पड़ेगी वो आई थिंक येलो होती तो अच्छी होती, और अभी ये वाइट है तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगी सामने वाले को, अगर थोड़ी आपकी लाइट जो ऊपर रहेगी। तो मेरे हिसाब से इसमें येलो होना चाहिए था। आप कर सकते हो यहाँ से इसको जो है डिस्कनेक्ट करके ऐसे कुछ तामझाम, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्टॉक में बना रखा है वैसे ही जो है मैं रहने दूंगा इसको, और अभी इसको जो है मैं इसमें फिट कर देता हूँ, देन उसके बाद इसको जो है चला के देखेंगे। आप देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ पर जो है फिट कर दिया है, और अभी जो है ऐसे इसको पहले मैं चला के देखता हूँ। सुबह आप देख सकते हो काफ़ी ब्राइट लग रही है अभी तो ये, बाकी रात में देखने लायक होगी ये कि कैसे है इसकी रोशनी। और अगर मैं येलो करूँ तो येलो में कुछ इस टाइप का लगेगा ये। तो चलिए गाइस, अभी मैं इसको फिट कर देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको जो है फिट करके उसके बाद आपको रात का इसका शोर दिखाता हूँ। तो चलिए गाइस, अभी इसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। अभी रात का टाइम है, तो अभी इसको मैंने ऑन किया, और जैसे मैं हेडलाइट को ऑन करता हूँ तो आप देखते हैं येलो लाइट है इसकी, क्योंकि ये अभी लो बीम पे है, और अभी मैं हाई बीम पे करता हूँ तो इस टाइप से वाइट हो जाती है। तो गाइस, लाइट आप देख सकते हो, लाइट में कोई दिक्कत नहीं है। येलो लाइट थोड़ी सी आपको कम लगेगी और वाइट जो है बिल्कुल ब्राइट लगेगी, तो लाइट में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी इसको थोड़ा चला के फिर मैं आपको जो है रनिंग की कंडीशन बताता हूँ कैसी है इसकी।
सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ तो आप देख सकते हो इसकी लाइट में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस ऐसा है कि येलो लाइट थोड़ी कम लगती है जब सामने से कोई बंदा आता है तो उसकी जब लाइट आँखों में पड़ती है तो इसकी जो येलो लाइट है थोड़ी कम लगती है, बाकी ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है लाइट में। वाइट लाइट भी इसकी अच्छी है और येलो लाइट भी इसकी जो है अच्छी है। तो गैस अगर आपको ये बाय करना रहेगा तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो गैस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहूँ। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।